तरफों से जिन्हें जिल्लतें हैं, खुदा की तरफ 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 से जिन्हें जिल्लतें हैं। सुनो वो गुनाहगार छे औरतें, का वाकया है कि हजरत अली शेर खुदा और हजरत फातिमा जहरा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए आपके घर पर तशरीफ ले गए। हजरत अली फरमाते हैं कि जब हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए तो देखा कि आप रो रहे हैं। मैंने आपकी यह हालत देखी तो मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, आपको किस चीज ने रुलाया है, आप इतना क्यों रो रहे हैं? हुजूर ने फरमाया, मैंने शबे मेराज में अपनी उम्मत की उन औरतों को जहन्नुम के अंदर तरह तरह के अजाब में मुब्तिला देखा है और उन पर जो अजाब हो रहा है वो इतना शदीद और हौलनाक है जिसका तसव्वुर करके मुझे रोना आ रहा है। वो गुनाह क्या है और वो अजाब कैसा हो रहा था, लीजिए आगे समाप्त कीजिएगा। खुदा की तरफ से जिन्हें जिल्लतें हैं, सुनो वो गुनाहगार छे औरतें हैं। हदीसे नबी आओ तुमको सुनाऊं, वो छह औरतें कौन हैं ये बताऊं। कलामे खुदा को समझ कर पढ़ो तुम, के सूरे निसा की तिलावत करो तुम। है हुक्मे खुदा ये भी कुरान के अंदर, हुआ फर्ज पर्दा सभी औरतों पर। ये पर्दा है औरत की अजमत में शामिल, ये पर्दा है शौहर की उल्फत में दाखिल। शरीयत भी पर्दे का है हुक्म देती, जिसे छोड़ बैठी है हव्वा की बेटी, जिसे छोड़ बैठी है हव्वा की बेटी। नबी गम में उम्मत की खोए हुए थे, के अश्कों से मुंह अपना धोए 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 हुए थे। नबी गम में उम्मत की खोए हुए थे, नबी गम में उम्मत की
अपना धोए हुए थे। अपनी बेटी हजरते फातिमा जहरा से फरमाया कि मैंने एक औरत को देखा कि वो अपने बालों के जरिए जहन्नुम के अंदर लटकी हुई है और उसका दिमाग हांडी की तरह पक रहा है। ये इंतहाई तकलीफ दे सजा है और ये किन गुनाहों की सजा उसको मिल रही है, समाप्त कीजिएगा। इस आलम में घर आई खातून जन्नत, परेशान हुई देख कर उनकी हालत। कहा फातिमा ने ए बाबा बताओ है आंसू रवा क्यों, खुदा रा बताओ। कहा मुस्तफा ने सुनो मेरी बेटी, वो मंजर जो मेराज में देखे बेटी, एक औरत पे ऐसा अजाब हो रहा है जहन्नुम में जिस्म उसका लटका हुआ है बालों के जरिए जहन्नुम में लटकी, अजाब खुदा से है रोती तड़पती, अजाबे खुदा से है रोती तड़पती। है नारे जहन्नुम में जलता कलेजा के पकता है मानिंद हांडी के भेजा, इस औरत पे क्यों है अजाब इतना होता। ये रूहुल अमीन ने नबी को बताया, ये रहती थी बेपर्दा औरत हमेशा, सजा इसको बेपर्दगी की मिली है जो नारे जहन्नुम में लटकी हुई है। ये ना महरमों से न करती थी पर्दा,
इसी से मिला है अजाब इसको ऐसा, ये थी खोल कर बाल घर से निकलती, ये बाजारों में नंगे सर थी टहलती, ये बाजारों में नंगे सर थी टहलती, नुमाइश करती थी अपने बदन की, खुदा ने सजा दी है इसके चलन 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 की। नुमाइश करती थी अपने बदन की, 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 खुदा ने सजा दी है इसके चलन की, खुदा ने सजा दी है। कभी सर पे घूंघट न डाला है इसने, के पर्दे को इतना उछाला है इसने, लिपस्टिक लगाती थी होठों पे अपने, खुली आंखों से देखती थी ये सपने, लगाती थी पॉलिश भी ये नाखूनों पर, ये चलती थी मर्दों से कांधा मिलाकर, दुपट्टे को गर्दन में लटकाती थी ये, के जज्बात मर्दों के भड़काती थी ये, बड़ी बदचलन और बदकार थी ये, बड़ी बेहया और मक्कार थी ये, बड़ी बेहया और मक्कार थी ये, जलाई जो दोज़ख में ये जा रही है, ये अपने किए की सजा पा रही है, ये अपने किए की सजा पा रही है। जनाब
ये पहली औरत थी जिसके गुनाहों की उसको ये सजा मिल रही थी। और सरकार ने अपनी बेटी से अब दूसरी औरत के बारे में फरमाया कि मैंने दूसरी औरत को जहन्नुम में इस तरह देखा कि वो जुबान के बल लटकी हुई है। अब आप अंदाजा करें, किसी की जुबान खींच कर और निकाल कर उसके जरिए उसके पूरे जिस्म को लटकाया जाए तो कितनी तकलीफ होगी। किसी के हाथ के बल अगर उसका जिस्म लटका दिया जाए तो शायद वो तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता, जबकि जुबान तो बहुत नाजुक चीज है। ये दूसरी औरत जुबान के जरिए जहन्नुम में लटकी हुई है, इसको किन गुनाहों की सजा मिल रही है समाप्त कीजिएगा। बढ़े और आगे जो महबूबे दावर, बड़ा ही अलमनाक देखा ये मंजर, नजर आई एक दूसरी उनको औरत के देखी नहीं जाती थी उसकी सूरत, अजाबे इलाही से थी वो तड़पती, जुबा के जो बल थी जहन्नुम में लटकी, ये जिब्रील ने फिर नबी को बताया इसे रब ने दोजख का कुंदा बनाया, ये करती थी खाविंद से बदकलामी, अजाबे इलाही है इस पर दवामी, अजाबे इलाही है इस पर दवामी, ये शौहर से अपने अकड़ती थी हरदम, भला और बुरा उसको कहती 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 थी हरदम, भला और बुरा। अजाब इस पे करते हरदम फरिश्ते, जुबा के बल इसको लटकाए रखते, न शोहर से नरमी से ये बोलती थी, जुबा ये खिलाफे अदब खोलती थी, बड़ी बदकलामी से थी पेशवाती, ये खाविंद को गालियां थी सुनाती, पड़ोसी भी सब तंग रहते थे इससे, सभी बात करते झिझकते थे इससे, अदब ये बुजुर्गों का करती नहीं थी, ये खामोश होकर गुजरती नहीं थी, ये खामोश होकर गुजरती नहीं थी, सबब ये है दो जख्मी लटकी हुई है जहन्नुम के शोलों में ये जल रही है, से ऐ औरतों बचना चाहो करो तलख बातें ना लब को हिलाओ, न शौहर से अपने करो बदकलामी, ये है औरतों के लिए नेकनामी, बुजुर्गों से भी बात नरमी से बोलो, खिलाफे अदब तुम जुबा को न खोलो, रहो दामन बिनते खैरुल बशर में, शरीयत को रखो हमेशा नजर में, मोहम्मद के पैगाम दिल में
बसाओ, हसद और जलन से भी तुम बाज आओ, हसद और जलन से भी तुम बाज आओ। अगर पैरवी फातिमा की करोगी, कयामत में कहरे खुदा से बचोगी, कयामत में कहरे खुदा से बचोगी, कयामत में कहरे खुदा से बचोगी, कयामत में कहरे खुदा से बचोगी। अगर पैरवी फातिमा की करोगी, 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 कयामत में तेरे खुदा से बचोगी, के बारे में बताया कि बेटी, मैंने तीसरी एक ऐसी औरत जहन्नुम में देखी जो छातियों के बल लटकी हुई है, उसको किन गुनाहों का खिमियाजा भुगतना पड़ रहा है, वो गुनाह समाप्त फरमाए। चले लेके जिब्रील फिर मुस्तफा को, हबीबे खुदा यानी खैरुल वरा को, नजर आई एक तीसरी उनको औरत, पड़े आबले तन में बदतर थी हालत, वो लटकी थी दो जख्म में पिस्तानों के बल, जहन्नुम में चर्बी पिघल कर गई जल, ये अय्याश औरत थी जिब्रील बोले, पड़े तन में कहरे खुदा से फपोले, ये गंदे ताल्लुक थी मर्दों से रखती, ये नामहरमों से मोहब्बत थी करती, ये नामहरमों से मोहब्बत थी करती, ये बल छातियों के जो लटकी हुई है, ये अय्याशियों की सजा मिल रही 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 है, ये अय्याशियों की। ये शादी शुदा हो के भी बदचलन थी, नशे में जवानी के हरदम मगन थी, न थी इसमें शर्मो हया नाम को भी, खुले आम अय्याशियां थी ये करती, बड़ी फाहिशा थी ये दुनिया के अंदर, के आजिज थे सब इसके बाप और बरादर, न थी इसको खाविंद से अपनी रगबत, न शोहर से रखती थी अपने मोहब्बत, ये खुल कर के मिलती थी ना महरमों से मोहब्बत, ये करती थी
नामहरमों से मोहब्बत ये करती थी नामहरमों से। अल्लाह बेइलाही में अब मुबतिला है के सीनों के बल जिस्म लटका हुआ है। इसका शर्म हया से लगाओ न था इसको हुक्म खुदा से। हया इसमें होती अगर नाम को भी तो नामहरमों से ये हरगिज न मिलती। हया रोक देती इसे फेल बद से गुजरती कभी भी ना ये अपनी हद से। हया एक पर्दा है आंखों के अंदर उतरने न देता है असमत की चादर। है बाप और बेटी में पर्दा हया का बहू और ससुर में है पर्दा हया का। बहू और ससुर में है पर्दा हया का। हया किरदा ओढ़ ले सब अदब से डरे औरतें सब खुदा के गजब से।